दाऊद के पास सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ सवाल है, और कल इंशाल्लाह ताला बड़ी हैवी क्लास है जिसमें कोशिश ये कि चैप्टर वाइज दाऊद के जितने पास पेपर हैं एनईटी के और डीयूएचएस के फिजिक्स टॉपिक वाइज आपको करवाने का इरादा है। बाकी अल्लाह का भाई, फर्स्ट टर्म बराबर होती है मिडल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय लास्ट। यहाँ पूछ रहे हैं फर्स्ट टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें स्क्वायर हो रहे हैं एक्स और वाई हो या एक्स है ऑफ कोर्स। तो मिडल टर्म क्या हो गई भाई मेरी, माइनस एट एक्स, पूरी की पूरी माइनस एट एक्स का स्क्वायर। फोर फार्मूले का लास्ट टर्म भी फोर है। अब एट एक्स का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 64 एक्स स्क्वायर 16, यहाँ से काटो आंसर 4x स्क्वायर, यानी ये हो गई भाई। अब ये हो गया अच्छा मिडल टर्म पूछी जाए तो प्लस माइनस 2 तो होगा, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर लास्ट टर्म 16 प्लस माइनस 2, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का रूट एक्स 16 का 4 बाई 5, यानी फाइनल आंसर प्लस माइनस 8x। यहाँ देखिए फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के रूट्स आर इक्वल, ये होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 के इक्वल टू 0, फाइनली के की वैल्यू हो जाएगी 25/12 और बिल्कुल जी यही वैल्यू आएगी के की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू में करवा रहा हूँ। पहले तो ये दाऊद एनईटी के टेस्ट हैं, सरसे डायनेस्टी के मैथ्स के पास पेपर और जनरल नॉलेज के पास पेपर ऑलरेडी सरसे डायनेस्टी की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, लास्ट ईयर करवा दिए थे। इस बार इंशाल्लाह फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश का भी एक एक क्वेश्चन मैं करवा दूँगा, और एनईटी के पास पेपर की सोल्यूशन की प्लेलिस्ट भी है, दाऊद के पास पेपर की सोल्यूशन की प्लेलिस्ट है। जितनी प्रैक्टिस करनी है करते रहें, फिक्स होगा।